जयंत मलैया नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। मलैया जी, आप कतार में लगे हुए हैं, काफी मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि ये मूड क्या तौर से बड़े उत्साह पूर्वक लोग मतदान कर रहे हैं। पिछले बार भी जो 6 जगह पर मतदान हुआ था इसमें 6% से लेके जौनपुर में तो लगभग 10% तक अधिक पिछले बार से ज्यादा मतदान हुआ, तो मुझे लगता है इस बार मतदान अच्छा होगा, लोगों में बहुत उत्साह है। अच्छा, ये जो मतदान है उसमें देख रहे हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। आमतौर पर ये धारणा होती है कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी वजह के पीछे? आप तो वैसे जो भी लगा है परंतु लोग उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बेहतर चीज है जो हो रही है। और मैं समझता हूँ इसमें जो सरकार ने मतदान के लिए जागरूकता पैदा की है अलग अलग तरह से काम करके, और लोगों में जितनी जागरूकता बढ़ रही है निश्चित तौर से एक सही दिशा में जा रहे हैं हम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दमोह में जो मतदान हो रहा है वो किन मुद्दों को लेके हो रहा है? पूरे देश में एक ही मुद्दा है, आप भी जानते हैं क्या है वो। अब मैं चूंकि चुनाव की लाइन में लगा हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं, देश में पूरा एक ही मुद्दा है। अच्छा, डेवलपमेंट आपको लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है? वह तो है ही, लोगों ने पिछली सरकार भी देखी है, पहले 55 वर्ष और 5 वर्ष की भी सरकार देखी है, और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल यहाँ सरकार रही और 5 महीने में ही देख लिया लोगों ने हाल क्या हो गया। कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर आप, न केवल दमोह में अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें? तो मैं तो अभी दमोह की बात कर सकता हूँ कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम भारी वोटों से जीत रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जयंत मलैया हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कतार लगी हुई है, हालांकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, हालांकि वो बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही चर्चा जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि मोदी फैक्टर जो कहा जा रहा है इस बार काम करेगा, लेकिन ये बात उन्होंने एक और बेहतर कही है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा रहता है, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार इस मुद्दे पर कितना वोट करेंगे। लेकिन इस वक्त आप जो सीधी